इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पेंटागन का बड़ा दावा सामने आ गया। अमरीकी नायब वजीर दिफा का कहना है कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान तक रसाई देने के लिए अपनी फजाई और जमीनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फौजी मौजूदगी को ये जो खत्ते के हालात और वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे हैं। अमेरिकन जो हैं वो यहाँ से उनका विड्रॉल शुरू है और विड्रॉल के लिए जो है उनको यहाँ पे इस खत्ते में स्पेस चाहिए, कोई अड्डे चाहिए, कोई लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से जाते भी हैं तो खत्ते से तो वो नहीं जाएंगे। बिल्कुल। और खत्ते से जाना बनता भी नहीं है। अगर आप उनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को देखें तो उसमें उनका जाना बनता नहीं है। मतलब ये हो ही नहीं सकता कि वो चले जाएं यहाँ पे। और देखें, वो जब आए थे तो उस वक्त चाइना नहीं था, यानी चाइना ये मौजूदा चाइना इस तरह से नहीं था, एक पावर बन के नहीं उभरा था। तो 2001 के दिसंबर में तो डब्ल्यूटीओ में एंटर हुआ है चाइना, तो उसको इजाजत मिली है कि ये कैपिटलिज्म क्या होता है तो दुनिया की। उससे पहले तो उसका मेंबर ही नहीं था, 9/11 के बाद हुआ है। और इसी तरह से ये रशिया जो इस वक्त मौजूद है, मौजूदा रशिया, ये भी उस वक्त एक कमजोर पोजिशन में था। चेचनिया में जो है वो चेचन्स और ये सारे वहाँ पे धमाके हो रहे थे मॉस्को के अंदर और बच्चों के कत्ल हो रहे थे और ये सारा जिन लोगों को याद होगा। लेकिन अभी ये 2021 की दुनिया जो है ये मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक तो सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिकन्स को इस जगह चाहिए और वहाँ पे जगह जो है वो चाइना और रशिया उनको स्पेस नहीं देगा, स्पेस नहीं। इसीलिए कभी आपको इतला मिलती है कि यूक्रेन के अंदर कोई मसला है, कभी आपको उज़्बेकिस्तान में कोई इशू है, कभी या तो सेंट्रल एशिया में उनको स्पेस चाहिए या उनको अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों में चाहिए। ठीक है, अच्छा। और यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी से भी उन्होंने बात की होगी, ठीक है ना, लाजमन की होगी। और पाकिस्तान का क्या जवाब दिया है उन तक मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन बात यकीनन हुई होगी। और आज का अगर सिर्फ उनका एक बड़ा मैगजीन है उनका, और उसको अगर आज देखा जाए तो नेशनल इंटरेस्ट, तो वो कह रहा है अमेरिका सेंट्रल एशियन डिलेमा, ये है कि सेंट्रल एशिया के अंदर अमेरिका की पोजीशन वो नहीं है जो इससे पहले थी, और बहुत सारी रियासतें और बाइडन की जो फॉरेन पॉलिसी है, मतलब एक हमें स्पेस चाहिए, मुख्तलिफ बेसिस चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो बेसिस के लिए हमारी वाशिंगटन सिक्स टू लिमिट चाइना एंड रशिया इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और उज़्बेकिस्तान एक वाहि जगह है जहाँ पर वो करना चाह रहे हैं ये चीज़ें, लेकिन ये कि C5+1 मीटिंग सेंट्रल एशिया वगैरह वगैरह। और ये बेसिस का इशू जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, अमेरिका को यहाँ पर आना, यहाँ पर बेसिस चाहिए, इस जगह बेसिस चाहिए, जो इंडिया के, यानी आप उसका हद अगर मैं आपको बताऊं तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर उनको जरूरी है अमेरिकन्स को कि यहां पे उनकी बेसिस हों। कि जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जय शंकर, वो पहुंचे हैं न्यूयॉर्क, और वो कल उनकी न्यूयॉर्क में मुलाकात है अक्वामे मुत्तहिदा के, वो कहते हैं ना सारे डॉट्स को मिला के पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा कि पाकिस्तान में क्या पिक्चर इमर्ज हो रही है, वरना पाकिस्तान की इवन सियासत में भी क्या इमर्ज हो रही है जब आप ये खित्ते के रीजन को समझ, जो हालात हैं उनको समझेंगे। तो जय शंकर जो हैं वो पहुंचे हैं न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में कल उनकी अक्वामे मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनसे मुलाकात है जी। और उसके बाद वो दो दिन कयाम के बाद वो जाएंगे वाशिंगटन,
मैंने कुछ देर पहले वहाँ वाशिंगटन से जो मुख्तलिफ हमारे इंडिया के इंडियन मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं अमेरिका में, उनसे मैंने आइटनरी चेक की कि जयशंकर जो हैं उनकी क्या इंगेजमेंट्स और मुलाकातें क्या हैं वहाँ पे। तो मुलाकातें वहाँ पर अभी तक फाइनल नहीं हुई। अच्छा, ये बात बड़ी अहम है जो मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए अहम है कि अगर वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर वहाँ जाते हैं तो उनकी मुलाकात बनती है एंथनी ब्लिंकन के साथ जो कि सेक्रेटरी स्टेट हैं, या तो मुलाकात उनकी आज हो गई हो या हो जाए, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, वरना उनकी मुलाकात नहीं हो सकेगी या नहीं हुई होगी, क्योंकि सेक्रेटरी ब्लिंकन मिडल ईस्ट रवाना हो चुके हैं या हो जाएंगे। कल सुबह जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन को कल दिन में किसी वक्त उनको इसराइल में होना है, क्योंकि कल उनकी मीटिंग्स हैं यहाँ पे नतन्याहू के साथ, बाकी लोगों के साथ, फिर उन्होंने वेस्ट बैंक जाना है, फिर उन्होंने जो है वो जॉर्डन का शायद खामोश दौरा करें, सिक्योरिटी की वजह से आइटनरीज बहुत सारी बताई नहीं जाती हैं अनलेस एंड अंटिल वो वहाँ पे पहुँच जाएं खुद। और ये चूंकि यहाँ पे ये रॉकेट्स वॉकेट्स और ये सारे फायरिंग वायरिंग, कौन सा एयरपोर्ट, क्या बेसिस, तो ये मिडिल ईस्ट में कियोस है इस वक्त, तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब टाइमिंग्स नहीं बताते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन गुमान ये है कि वो जॉर्डन भी जाएंगे और वो इजिप्ट भी जाएंगे, मिस्र भी जाएंगे, उर्दन भी जाएंगे, और यहाँ पर वो गाजा तो नहीं लेकिन फलस्तीनी अथॉरिटीज से मुलाकात करेंगे। अच्छा, अच्छा, अगर वो यहाँ पर है तो फिर जयशंकर की मुलाकात जो है वो वहां पर होगी, जिसके लिए कोशिश हो रही है वो होगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के जैक सलिवन के साथ, सही है, जिनके साथ डॉक्टर मोहित यूसुफ की मुलाकात हुई है। हाँ। अच्छा, अब एक तो मैंने आपसे सेंट्रल एशिया की बात की ना, लेकिन दूसरा प्रेशर अब इंडिया पे आ रहा है, और इंडिया का जो प्रेशर है वो एशियन टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूं कि यूएस मिलिट्री बेस इन इंडिया। तो गाइस, पाकिस्तान ने फिर एक बार वही किया जो हर बार करता है, अमेरिका ने फेंके पैसे और पाकिस्तान ने कर दिया शुरू नाचना। तो दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो चंद डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है, और इस बार उसने अपनी जमीन में एयरबेस यूज़ करने के लिए अमेरिका को दे दिया है, और ये कन्फर्म सोर्सेस से पता चल रहा है। और आपने अगर ये डॉक्टर शाहिद मनहूस का वीडियो देखा है तो इसमें तो ये मतलब अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक घंटे पहले का शो है, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा क्लिप लगाया था उसमें आपने देखा होगा उस पत्रकार ने बोला। तो गाइज़, पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदे होंगे पाकिस्तान को और क्या नुकसान होंगे, पहले बात करते हैं नुकसान की। तो गाइस, पाकिस्तान आपको पता है चाइना गैंग का है, चाइना गैंग में होने के कारण पाकिस्तान को अब चाइना से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि चाइना अभी पाकिस्तान को अभी कुछ दिन पहले रोटी दे रहा था और अभी भी दे रहा है रोटी, और अब पाकिस्तान को अगर बटर मिल रहा है रोटी के साथ और अमेरिका दे रहा है वो, तो पाकिस्तान बटर वाली रोटी के तरफ गया है। तो गाइस, आप सिचुएशन समझ सकते हो, चाइना की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर आएगा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, पाकिस्तान को जो तालिबान है, तालिबान अमेरिका की मतलब आप समझ सकते हो क्या है उनके बीच, तो पाकिस्तान इनडायरेक्टली तालिबान को भी सपोर्ट करता है। अब पैसे मिल गए तो अमेरिका को इसने तालिबान को ही मारने के लिए अमेरिका वहाँ बैठा है ना, तो तालिबान को अब यहाँ पर इन्होंने दे दी अपनी जगह, तो समझ सकते हो सिचुएशन, तालिबान को भी पाकिस्तान ने अपना दुश्मन बना लिया है। तो ये सिचुएशन है गाइज़। और अब सिचुएशन ये है कि अमेरिका का प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान पर, अगर भारत के साथ कुछ मामले फंसेंगे तो अमेरिका सीधा सीधा पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएगा, अगर भारत पर कुछ मामले हुए तो। भारत और पाकिस्तान की इससे तो दोस्ती हो सकती है क्योंकि अमेरिका का प्रेशर पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर थ्री, ये नुकसान फ़ायदा जो भी आप समझ लें। अब बात करते हैं दोस्तों फ़ायदे की। तो दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान FATF में फंसा हुआ है, FATF सब कुछ अमेरिका के हाथ में रहता है, वहाँ से पाकिस्तान को निकाल सकता है, ठीक है, पॉइंट नंबर वन ये हो गया। तो ये फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को, जो भी प्रॉब्लम आ रही है अभी ग्लोबली आपको पता है पाकिस्तान को कितने सारे लोन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पाकिस्तान डॉलर देगा तो इनके लोन वोन भी चुक जाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान फंसा हुआ है, वीज़ा बैन है पाकिस्तान को कई कंट्रीज़ में, तो उन सब चीज़ों से अमेरिका निकाल सकते हैं। आपको भी पता है दुनिया का अभी भी एक इकलौता गुंडा है अमेरिका, उसकी ही चलती है, अगर वो जो चाह ले तो फिर उसको करना है तो वो करना है। इसराइल ने जितना कुछ किया सब अमेरिका की दम पे ही किया, आपको भी पता है। तो अमेरिका ऑब्वियसली, अब पाकिस्तान को फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान ज़्यादा हैं ये तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं दोस्तों। वैसे तो मुझे लगता है कि इसने जो दुश्मन बनाए हैं चाइना
डेफिनेटली पाकिस्तान से नाराज़ होगा अगर इस तरीके की पाकिस्तान हरकत करेगा। और ये मतलब अभी तक मैं इतने सारे इनके जर्नलिस्ट और इनके जो फौजियों को सुन रहा था वो सब बोल रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तान थोड़े से डॉलर ज़्यादा है वहीं पर नाचने लगा। तो आप समझ सकते हो दोस्तों सिचुएशन ये है अभी। चाइना के साथ पाकिस्तान के रिश्ते हो सकते हैं ख़राब इस वजह से, भारत पाकिस्तान के रिश्ते में आ सकता है बहुत जल्दी को सुधार क्योंकि अमेरिका प्रेशर बनाएगा, और तालिबान अब पाकिस्तान को भी अपना एज अ दुश्मन ही ट्रीट करेगा क्योंकि अगर अमेरिका ने मतलब मन चाहे कभी भी जब उनको मन किया तालिबान ने कुछ होशियारी मारी और वहाँ पर जाकर बम बम फेंक दिया तो डेफिनेटली ज़मीन तो पाकिस्तान की है तो तालिबान का दुश्मन अमेरिका के साथ साथ पाकिस्तान भी बन जाएगा। तो अमेरिका भी इस खित्ते पे रहेगा, खित्ता बोल रहा हूँ, और अभी छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो गाइज ये सिचुएशन है, तो ये मतलब सीधी सी बात है, डॉलर फेंको तमाशा देखो, पैसा फेंको तमाशा देखो, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और डॉक्टर शाहिद मसूद पता नहीं इसने क्या बकवास की, क्वाड ये वो फलाना ठिकाना, तो भैया इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये कोई वो वाले बात नहीं है कि यहाँ पे डॉलर फेंक रहा है और हम ऐसा कर रहे हैं। ये इंडिया को आप पाकिस्तान से कंपेरिजन ना करेगा, अगर अंडमान निकोबार इंडिया देगा तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आप समझें। ये मतलब बेवकूफ़ को मैं क्या बोलूँ। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।